हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका चैनल में। आज मैं पास्ट विद ग्रेस के बारे में आपको बताऊंगी। पास्ट विद ग्रेस मार्क जो होता है बीटेक एमबीए सबको दिया जाता है। इसमें किसी एक सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क दिया जाता है। एकेटीयू के सर्कुलर के हिसाब से 2016-17 से 90-20 को 7 मार्क्स दिया जाएगा, मतलब प्लस 4 साल के लिए अप्लाई किया जाता है। अगर कोई स्टूडेंट 18-19 में सेकेंड ईयर में है तो उसको 7 मार्क्स ही मिलेगा, 10 मार्क्स का ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा, जो एकेटीयू सर्कुलर में शो किया गया है कि 2018-19 से 21-22 तक आपको 10 मतलब प्लस 4 ईयर्स ऐड किए जाते हैं। तो अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग ग्रेस मार्क दिए जाते हैं। तो यही पास्ड विद ग्रेस मार्क है। अब ग्रेस मार्क दिया कैसे जाता है, एकेटीयू का क्या क्राइटेरिया, इन सब चीज़ों के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। ग्रेस मार्क होता है वो ईयर के अंत में दिया जाता है। ग्रेस मार्क ई स्टार्ट्स से होता है और ग्रेस मार्क कभी भी टोटल मार्क्स में ऐड नहीं किया जाता है। जैसे कि टोटल मार्क्स 1000 और आपने 500 मार्क्स फाइंड आउट किए तो 500 प्लस 6 स्टार्स हो जाता है और परसेंटेज और ग्रेड आपको टोटल मार्क्स में ही दिया जाता है। टोटल मार्क्स में ग्रेस मार्क कभी भी ऐड नहीं किया जाता है। उसके बाद ग्रेस मार्क कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, मतलब वन सेमेस्टर का ग्रेस मार्क सेकेंड सेमेस्टर में नहीं अप्लाई किया जाता है। साल के अंत में ग्रेस मार्क दिया जाता है। एक साल में केवल एक सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क मिलता है, लेकिन अगर आपका एसजीपी टोटल मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया से कम है तो एकेटीयू इवन और ऑड सेमेस्टर में अलग अलग ग्रेस मार्क को दे सकती है। जैसे कि आपका 4.80 है तो एकेटीयू आपको 4.90 तो एकेटीयू 0.10 का एक सेम में दे सकती है और 4.85 है तो 0.15 दूसरे सेम में दे सकती है। मतलब आपका 5 जो है वो ग्रेस मार्क बना दे दी, एसजीपी आपका 5 बनेगा और आप पास हो जाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट में एक ही मिलता है। ग्रेस मार्क एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसके लिए कोई फॉर्म नहीं देना पड़ता, ये अपने आप एकेटीयू जो है वो लगा देता है आपके सब्जेक्ट में। लेकिन अगर आप अपने नंबरों से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप इस सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं, लेकिन आपके मार्क्स अगर ज़्यादा आते हैं तो आपको एकेटीयू को ये बात बतानी पड़ेगी और 2 महीने के अंदर एक लेटर देना पड़ेगा कि मेरे सब्जेक्ट में मार्क्स सही हैं तो आप मेरे ऐड कर दीजिए। ग्रेस मार्क कभी भी आपकी फाइनल मार्कशीट में शो नहीं किया जाता है। अगर चारों साल में आपने अपने सारे बैक पेपर क्लियर कर लिए हैं तो फाइनल मार्कशीट में कहीं भी ग्रेस मार्क शो नहीं होता, ना ई का साइन होता है ना स्टार का साइन होता है। इस बात से आप टोटली फ्री रहिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि पीडब्ल्यूजी क्या होता है, पास्ड विद बैक पेपर। अगर किसी साल आपकी 5 सब्जेक्ट से ज्यादा बैक आ जाती तो उस समय आपकी वाईबी मतलब ईयर बैक ले जाती है। सपोज करिए एक सेम में 2 बैक आती और दूसरे सेम में 3 बैक आती तो टोटल 5 आती, तो आपको बैक पेपर आपकी वाईबी लग जाएगी, मतलब ईयर बैक आपको दोबारा वो पूरा ईयर पढ़ना पड़ेगा। बैक पेपर के लिए कोई स्पेशल डिजाइन पेपर नहीं होता है। बैक पेपर रेगुलर स्टूडेंट के साथ होता है। रेगुलर स्टूडेंट भी वही पेपर देते हैं जो बैक पेपर के लिए देते हैं। कॉपी चेकिंग भी टीचर्स ही करते हैं, तो बैक पेपर के लिए कोई स्पेशल डिजाइन नहीं होता। इवन सेमेस्टर की बैक इवन सेमेस्टर में दी जाती है, ऑड सेमेस्टर की बैक ऑड सेमेस्टर में दी जाती है बैक पेपर, ठीक है। लोअर कैडेट जो होता है वो 16 से 18 होता है एकेटीयू में डिफरेंट कोर्सेस में, और अपर कैडेट 24 से 26 होता है। ये होता है आपका एकेटीयू में। तो यही है क्वालिफाइंग सब्जेक्ट और लेटरल एंट्री के ऊपर भी यही सारी चीज़ें होती है। अगर आपकी जो लोअर और जैसे कहा जाता है कि ग्रेस मार्क एक में 16 आए और दूसरे में 18 आए तो किस में ऐड होगा, तो जब आपने पहली बार में जो एग्ज़ाम दिया है उसी में आपका ग्रेस मार्क ऐड किया जाता है, या हमेशा उसी में ग्रेस मार्क ऐड किया, बाद में नहीं किया जाता। अगर 4-8 सेमेस्टर में आपने ग्रेस मार्क और बे पेपर क्लियर कर लिया तो आपके फाइनल मार्कशीट में कहीं भी ग्रेस नहीं शो होती है, और उसके बाद जो फाइनल मार्कशीट मिलती है वो ऑल क्लियर मिलती है। तो इस बात की चिंता ना करिए, ग्रेस आने से कोई नुकसान नहीं होता, बैक पेपर करिए कोई नुकसान नहीं है। यही अभी तक की अपडेट है। और आपको क्वेश्चन अगर पूछने हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे क्वेश्चन दीजिए। थैंक यू वेरी मच।